नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज इस एपिसोड में मैं बताऊंगा सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के भाग्यशाली लक्षण, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं और घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है, घर परिवार में शांति बनी हुई रहती है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करें। सबसे पहला लक्षण, जिन स्त्रियों के होठ गुलाबी हों, जीभ लाल हो, वाणी में काफी मधुरता हो, ऐसी स्त्री स्वयं भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार के हर सदस्य, उनके पति, उनके बच्चे, उनके माता, उनके पिता, सभी काफी सुख भोगते हैं। जिन महिलाओं की नाभि काफी गहरी हो और अंदर से उठी हुई न हो और नाभि पर तिल या मस्सा हो, उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है, काफी सुखमय व्यतीत होता है। ऐसी महिलाएं अपने पराक्रम के दम पर, अपने दम पर, अपने बुद्धि के दम पर हर तरह की सफलताएं प्राप्त कर लेती हैं। जिन स्त्री के नाक के आगे तिल हो, यानी नासिका पर तिल हो और नाक की बनावट बहुत ही सुंदर हो, ऐसी स्त्री में सूंघने की शक्ति अधिक हो, ऐसी स्त्री अपने गुण के कारण, अपने रूप के कारण और अपने अच्छे स्वभाव के कारण परिवार में ही नहीं पूरे समाज में पूजी जाती हैं, उनकी प्रशंसा पूरे समाज में होती है और पूरे समाज उनको काफी स्नेह की दृष्टि से देखता है। ऐसी स्त्री जिसकी आंखें हिरणी की तरह हो, हिरणी की आंखों की तरह हो और आंखों के सफेद भाग के अंत में, आंखों के सफेद भाग के अंत में लालिमा हो, उसकी शालीनता, उसके अच्छे स्वभाव, उसकी मीठी वाणी उस स्त्री को काफी पूजनीय बना देता है, उनके घर में काफी समृद्धि, लक्ष्मी और पुत्र संतान जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। जिन महिलाओं के पैरों में कमल का चिन्ह हो, चक्र हो, शंख हो, यानी शंख का चिन्ह हो, जिन महिलाओं के पैरों में कमल का चिन्ह हो, चक्र का चिन्ह हो, शंख का चिन्ह हो, ऐसी स्त्री काफी भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री या तो स्वयं काफी उच्च पोस्ट पे होती हैं, सरकारी नौकरी में होती हैं, आईएएस आईपीएस होती हैं, या उच्चाधिकारी की पत्नियां होती हैं, किसी राजनेता की पत्नी होती है, या खुद राजनेता होकर मंत्री पद प्राप्त करती हैं। और ये सामुद्रिक शास्त्र का ये नियम 100% लागू होता है। ऐसी महिलाएं जिनके पैर वर्गाकार हो, अंगूठा पूर्ण रूप से संतुलित सुगठित हो और पैरों की एड़ियां सर्पकार हो, ऐसी स्त्रियां धनदायक, ऐसी स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी तुल होती हैं, ऐसी स्त्रियां जिस घर में होंगी उस घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी, घर में किसी तरह का कलह नहीं होगा,
पति को परमेश्वर के रूप में मानेंगी और पति ही उनके के लिए परमेश्वर होता है। जिन स्त्रियों के पैर का अंगूठा उठा हुआ हो, गोल हो, मांसल हो और लालिमा लिए हुए हो, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री भौतिक सुख से अपने जीवन में पूर्ण रूप से भौतिक सुख पाती है और भौतिक सुख ही नहीं पाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है उस घर में पूरे रूप से भौतिकता रहता है और पूर्ण रूप से भौतिक सुख का उपयोग करना ऐसी स्त्रियों में पाया जाता है। इनके जीवन शैली बेहतरीन होते हैं, इनके बच्चे, इनके पति, सारे लोग बहुत ही सुखी, संपन्न, परिपूर्ण होते हैं। जिन स्त्रियों को हंसते समय गालों में गड्ढा या डिंपल पड़ते हैं, वह स्त्री तेज, तर्रार, विवेकवान और जल्दी जल्दी बोलने वाली और अपनी बुद्धि, अपनी कर्मों से, अपने क्रिया कलापों से सबके हृदय में स्थान बनाती हैं और पूरे समाज में उनकी सुंदरता, उनकी क्रियाओं और उनके कामों का चर्चा होता है। ऐसी स्त्री श्रेष्ठ स्त्री में एक गिनी जाती हैं। जिन स्त्री के दाहिने गाल पर तिल हो, वो धनी, वैभवशाली, चरित्रवान, और ऐसी स्त्री अपनी आवश्यकता को नियंत्रण में रखने वाली होती हैं। ऐसी स्त्री को जैसी भी आवश्यकता हो, जो भी परिस्थिति उनको दिखलाए, जिस परिस्थिति में वो रहेंगी उस परिस्थिति में ढल जाएंगी। फिर भी ऐसी स्त्री को पूर्ण रूप से भौतिकता मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है और ऐसी स्त्री को थोड़ा कन्या संतान की थोड़ी अधिकता रहती है, तो कहीं ना कहीं इन्हें पुत्र संतान की लालसा बहुत तेज हो जाती है। यदि किसी स्त्री की नाभि समतल और सामान्य अवस्था में हो, वो स्त्री बुद्धिमान, सौभाग्यशाली, परिश्रमी और धनवान मानी जाती है। ऐसी स्त्री का परिवार, सामाजिक जीवन काफी सुखमय होता है। इनके पुत्र और पुत्री काफी आज्ञाकारी होते हैं और इनके पति काफी सुंदर और इनकी हर बात को मानने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे भाग्यशाली लक्षण मैंने आपको, आपके सामने मैंने रखा। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, जितने मैंने लक्षण अभी रखा भाग्यशाली स्त्रियों के लिए रखा। ऐसे लक्षण पाए जाने वाली स्त्री हमेशा घर में लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं, घर में सुख शांति की प्रतीक होती हैं और अपने बच्चे, अपने परिवार तथा अपने सभी परिवारों को संभाल के रखना और उनकी उन्नति का कामना करना, इस टाइप की स्त्रियां प्रायः धार्मिक भी बहुत होती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के खाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है और घर काफी सुंदर हो जाता है। आज का एपिसोड इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।